आज हम पाई अनुभाग फिल्टर या संधारित्र निवेशी एलसी फिल्टर के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने तीन प्रकार के फिल्टर, जिनमें शंट कैपेसिटर फिल्टर, सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर और एल सेक्शन फिल्टर के बारे में चर्चा की। पाई सेक्शन फिल्टर जो है, ये इन तीन फिल्टर्स की अपेक्षा अधिक मॉडिफाइड है और हम इस फिल्टर के द्वारा अधिक मात्रा में डीसी वोल्टता को लोड के सिरों पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए पाई सेक्शन फिल्टर को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये पाई सेक्शन फिल्टर दो प्रकार के फिल्टर से मिलकर के बना हुआ है। पहला शंट कैपेसिटर फिल्टर, दूसरा एल सेक्शन फिल्टर। इस फिगर में आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है मेरे पास में, जिसमें C1, C2 संधारित्र और L प्रेरक कुंडली लगी हुई है, ये तीनों मिलकर के इस कॉम्बिनेशन को हम पाई सेक्शन फिल्टर कहते हैं। इसमें कैपेसिटर C1 शंट कैपेसिटर फिल्टर की भांति कार्य करता है, जबकि L और C2 ये कॉम्बिनेशन मिलकर के L सेक्शन फिल्टर की भांति कार्य करते हैं। कैपेसिटर C1 जो कि शंट कैपेसिटर फिल्टर की भांति कार्य कर रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर से प्राप्त जो हमें आउटपुट होता है, उस आउटपुट को हम स्पंद मान वोल्टता के रूप में परिभाषित करते हैं। जब यह स्पंद मान वोल्टता, जिसके अंदर एसी और डीसी दोनों प्रकार की वोल्टताएं मिश्रित होती हैं, जब हम शंट कैपेसिटर फिल्टर लगा करके इसको पास आउट करते हैं, तो शंट कैपेसिटर फिल्टर क्या करता है? शंट कैपेसिटर फिल्टर एक छलनी की भांति कार्य करेगा और जो हमारे पास में पी पॉइंट के ऊपर जो स्पंद मान वोल्टता प्राप्त हुई है, जिसके अंदर डीसी और एसी पार्ट दोनों मिक्सचर हैं, उसमें से एसी पार्ट को ये अपने अंदर से बाईपास कर देता है, जिसके फलस्वरूप इस पॉइंट पर हमें जो स्पंद मान वोल्टता प्राप्त होती है, उसमें पी बिंदु की अपेक्षा अधिक डीसी पार्ट और कम मात्रा में एसी पार्ट प्राप्त होता है। C1 के इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टता प्राप्त हुई, जब इसे हम एल सेक्शन फिल्टर में से गुजारते हैं, तो प्रेरक कुंडली जो एसी पार्ट हमें यहाँ पर है, उस एसी पार्ट को यह रोक देता है और अपने में से डीसी पार्ट को जाने देता है, यानी कि बिंदु पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी कहें, तो पॉइंट ए पर जो हमें स्पंद मान वो सिग्नल मिला, पल्सेटिंग जो सिग्नल मिला, उसमें से एसी पार्ट इस कॉइल के द्वारा कम हो गया और बी पॉइंट पर जो आउटपुट मिलता है, इसमें से भी जो एसी पार्ट होगा वो C2 के द्वारा बाईपास कर दिया जाएगा, जिसके कारण लोड के सिरों पर हमें अपेक्षाकृत अधिक डीसी प्राप्त होती है। आइए अब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। फूरिये प्रमेय के अनुसार संधारित्र C1 से उत्पन्न जो उर्मिका वोल्टता, जिसको हम स्मॉल ER से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू ER अपॉन पाई साइन ट्वाइस ओमेगा टी माइनस ER अपॉन 2 पाई साइन 4 ओमेगा टी एंड सो ऑन होती है। यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज जो हमारे पास में है, ये फुल वेव रेक्टिफायर के संदर्भ में लिया गया है। अब चूंकि प्रेरक L में उच्च सन्नादि यानी कि हायर जो हार्मोनिक्स हैं 4 ओमेगा 6 ओमेगा एंड सो ऑन, तो उच्च सन्नादि वाली जो धाराएं हैं उनको हम नगण्य मान लें, तो हमारे पास में C1 से उत्पन्न उर्मिका वोल्टता ER की वैल्यू किसके बराबर प्राप्त होती है? ER अपॉन पाई साइन ट्वाइस ओमेगा टी, यानी जो पहला पद है यही महत्वपूर्ण होगा। ये ER जो स्मॉल ER उर्मिका वोल्टता है, ये बिंदु A पर होगी। अब चूंकि संधारित्र C2 की जो प्रतिबाधा है, जिसको कि हम 1/2 ओमेगा C2 कहते हैं, यहाँ ट्वाइस ओमेगा C2 क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास में हार्मोनिक
फर्स्ट हार्मोनिक जो इंपॉर्टेंट हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा के स्थान पर कितनी है, ट्वाइस ओमेगा है, तो यहां पर प्रतिबाधा भी क्या होगी, वन ओवर ट्वाइस ओमेगा सी टू होगी। तो संधारित्र सी टू की जो प्रतिबाधा है लोड प्रतिरोध आर एल की तुलना में अत्यल्प होने के कारण क्या होगा कि जो ए सी पार्ट है वो सी टू में से बाईपास हो जाएगा। इसके कारण जो हमारे पास में ए सी करंट की वैल्यू होगी वो इस क्या होगी, ई आर अपॉन ट्वाइस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ट्वाइस ओमेगा सी टू। और इस ए सी करंट या उर्मिका धारा का रूट मीन स्क्वायर मान वर्ग माध्यमूल मान किसके बराबर होगा, आई डैश आर एम एस के बराबर, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज ऑफ आई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। आपको एक साइकिल के लिए निकालना है, आप इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ई आर की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट कर दें, और सब्सटीट्यूट करने पर साइन ट्वाइस ओमेगा टी का जब एवरेज निकाल साइन स्क्वायर ट्वाइस ओमेगा टी का एवरेज निकालेंगे वो वन अपॉन रूट टू वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास में आती है ट्वाइस ई आर ओमेगा सी टू अपॉन रूट टू पाई फोर ओमेगा स्क्वायर एल सी टू माइनस वन। तो इस उर्मिका धारा के कारण संधारित्र सी टू के सिरों के मध्य उर्मिका वोल्टता की मान कितना होगा, वो होगा आई डैश आर एम एस इंटू सी टू की प्रतिबाधा एक्स सी टू। तो एक्स सी टू की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दें वन, और इस वैल्यू को वन ओवर ट्वाइस ओमेगा सी टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वैल्यू हमारे पास में प्राप्त होती है ई ए सी इक्वल्स टू ई आर अपॉन रूट टू पाई फोर ओमेगा स्क्वायर एल सी टू माइनस वन। लेकिन शंट कैपेसिटर फिल्टर से हम लोग ये जानते हैं, जब शंट कैपेसिटर फिल्टर वाला जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें ये देखा था कि जो सार्टूथ वेव हमारे पास में फूरियर सीरीज के दौरान प्राप्त होती है, तो ई आर अपॉन टू की वैल्यू होती है ई एम पाई अपॉन ट्वाइस ओमेगा आर एल सी वन के बराबर। तो ऐसी स्थिति में ई डी सी की वैल्यू किसके बराबर थी, ई एम माइनस ई आर अपॉन टू के बराबर। अब ई आर अपॉन टू की वैल्यू जो है ये ई एम के कंपेरिजन में कैसी है, बहुत कम है, तो हम इसको नगण्य मान सकते हैं। तो कह सकते हैं ई डी सी की वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास में, ई एम के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में रिपल फैक्टर की वैल्यू ई ए सी अपॉन ई डी सी, ई ए सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है ई ए सी इक्वल टू ई आर अपॉन रूट टू पाई फोर ओमेगा स्क्वायर एल सी टू माइनस वन, और ई डी सी की वैल्यू हमारे पास में किसके बराबर है, ई एम के बराबर है। ये वैल्यू आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास में रिपल फैक्टर की वैल्यू आती है वन ओवर रूट टू ओमेगा आर एल सी वन फोर ओमेगा स्क्वायर एल सी टू माइनस वन। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि फोर ओमेगा स्क्वायर एल सी टू की वैल्यू एक की तुलना में बहुत अधिक होती है, तो फोर ओमेगा स्क्वायर एल सी टू माइनस वन को हम किसके बराबर लिख दें, केवल फोर ओमेगा स्क्वायर एल सी टू के बराबर लिखते हैं, और वन अपॉन फोर रूट टू इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 0.177 के बराबर। तो ये मेरे पास में रिपल फैक्टर का मान आता है 0.177 अपॉन ओमेगा क्यूब सी वन सी टू एल आर एल। तो इस प्रकार से हम पाई सेक्शन फिल्टर के लिए रिपल फैक्टर की गणना कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा आप यह भी देख सकते हैं कि पाई सेक्शन फिल्टर के लिए रिपल फैक्टर का मान एक तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा के ऊपर डिपेंड करता है, साथ साथ दोनों संधारित्र सी वन सी टू और प्रेरक कुंडली एल के मान के ऊपर भी निर्भर करता है, और लोड प्रतिरोध आर एल के ऊपर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम पाई सेक्शन फिल्टर के लिए रिपल फैक्टर की गणना कर सकते हैं। थैंक यू।